गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एकदम सुबह सवेरे से मैंने स्टार्ट कर दी है। अभी टाइम हो रहा है 8:30। सिद्धार्थ को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और आजकल मतलब आजकल क्या, पिछले कई महीनों से मैं ही जा रही हूँ सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ने, क्योंकि सुबह सवेरे यही काम होता है हस्बैंड का। आधे घंटे से लेके 40 मिनट्स तक वो करते हैं अपनी गिटार प्रैक्टिस, तो मुझे इसीलिए छोड़ने जाना पड़ता है सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ देती हूँ, ज़्यादातर तभी चाय हो पाती है। तो उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ, चाय चढ़ाई है और अब हम बैठ के अपना थोड़ा सा चाय पियेंगे आराम से। और खाना वगैरह सब कुछ मैंने बना करके रख दिया है हस्बैंड का, तो वो तो मैं सुबह ही एक बार में बना लेती हूँ, बस रोटियाँ वगैरह सेकना रह जाती हैं। तो वो या तो पहले कभी हो जाता है या कभी आने के बाद हो जाता है, डिपेंड करता है कि टाइम कितना बचा हुआ है। और इस बार मेरी जो तैयारियां हैं हर चीज़ की, वो बहुत लेट चल रही हैं, बहुत लेट। पता नहीं क्या हो गया, इस बार ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। अदरवाइज़ मैं करवा चौथ और अपने बर्थडे से 2-3 दिन पहले ही पार्लर का भी मेरे काम निपट जाया करता था, और मेहंदी भी मेरी 2 दिन पहले ही मैं लगवा लेती थी। मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले के एक दिन पहले मैं हमेशा मेहंदी लगवा लिया करती थी। मेरी शॉपिंग वगैरह भी सारी डन हो जाती थी, पर इस बार हर चीज़ लेट लतीफ़ एकदम चल रही है। आज के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं करवाने जा रही हूँ अपना हेयर कलर, जो कि बहुत दिनों से ड्यू था। साथ में हेयर कट लूँगी और इसके साथ साथ कैरेटिन ट्रीटमेंट जो मैं बोल रही थी उसके बारे में पता करूँगी कि हो सकता है या नहीं। नहीं ले सकता मैं 80,000 का खाना, अगर वो 60 तक भी होता तो नहीं सोच सकता था। तो व्हाई डोंट वी एडजस्ट इन दैट? एडजस्ट के ऑप्शन ही नहीं है फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है, शायद 11 तारीख है, आज 11 अक्टूबर। और आज एक्चुअली सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अभी सुबह मतलब सिद्धार्थ स्कूल जा चुका था, हस्बैंड अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और बस अब मुझे आराम से सारे घर के काम निपटाने हैं। आज ज़्यादा काम नहीं रखा है क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ अपने बालों के लिए। तो जो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मुझे कैरेटन वाला कुछ करवाना है, क्योंकि जो नीचे के बाल हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेटनिंग हो रखी है, और लगभग यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है ना, वो बाल अब तो नेचुरल आ रहे हैं, तो वो वैसे ही है जैसे मेरे नेचुरल हेयर है, तो बहुत अटपटे से लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि कैरेटन करवाऊँगी इस बार। टाइम की थोड़ी सी कमी हो रही है मेरे पास, क्योंकि 4-5 घंटे बैठना उतना पॉसिबल नहीं है, कोई हेल्प नहीं है अभी मेरे पास में, तो इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है कि 4-5 घंटे पता नहीं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी पता करना है कि ऐसे बालों में कैरेटिन हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए आज मैं जा रही हूँ। अगर वो मुझे बोलेंगे कि कैरेटिन हो सकता है तो आज तो नहीं करवाऊँगी मैं, उसके लिए कोई टाइम ले लूँगी, मे बी नेक्स्ट वीक में कभी। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता ऐसे बालों में कैरेटिन, क्योंकि एक बार केमिकली ट्रीटेड हेयर है उनके ऊपर दोबारा से आप केमिकल नहीं लगा सकते हो, तो अगर कोई स्कोप नहीं होगा देन मैं कैरेटिन करवाऊंगी नहीं। इस बार मैं कुछ नहीं करवाऊंगी बालों में, सिर्फ मैं कलर करवाऊंगी, जो कि मैंने 1 साल से नहीं करवाया है। मतलब लोग 2-3 महीने पर कलर करवा लेते हैं बालों को, तो मेरी जो लेंथ है, जितने भी मेरे न्यू बाल आए हैं और जहाँ जहाँ भी मेरे वाइट हेयर्स हैं ना, वो सारे वाइट हेयर, इतने लंबे लंबे वाइट हेयर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे वाइट हेयर, पर फिर भी 40-50 तो होंगे ही, तो वो एकदम लेंथ से पूरे सीधे सीधे वाइट वाइट बाल बहुत दिनों से दिख रहे हैं। बहुत महीनों से मुझे मेरे फ्रेंड्स टोक रहे हैं कि तुम करवा लो बालों में, कुछ करवा लो, पर मैं करवा ही नहीं रही थी, मैं जा ही नहीं रही थी। तो आज जा रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड है वंदना वो भी साथ जा रही है, क्योंकि उसको भी हेयर कट लेना है, तो वो भी साथ जा रही है, तो हम दोनों जाएंगे, निकलेंगे। अभी हो रहा है 9:15 हो रहा है, तो 10:30-11 बजे तक हमने सोचा है कि निकल जाएंगे, तो तब तक मुझे सारा काम अपना निपटाना है और लंच वगैरह भी बना के रखे जाऊंगी, ताकि फिर टेंशन ना रहे कि सिद्धार्थ को स्कूल से लाने के बाद लंच बनाना पड़े। तो व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया अपना, कि जो जो होगा देखो, इसमें गूगल मतलब जो वॉइस वाला होता है मेरे हाथ से दब गया, और जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना वो इसमें खुल गया, तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है।
तो बस अभी तक का यही प्लान है, देखते हैं कि क्या बोलते हैं वो पार्लर वाले कि क्या हो सकता है इन बालों का। क्योंकि होता क्या है कि इस समय सब कुछ एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, जैसे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, उसके बाद मुझे छठ पे गांव में जाना होता है, तो फिर एक होता है ना कि बाल वगैरह अगर आपको बार बार स्ट्रेट करने पड़े या वो करना पड़े तो बहुत झंझट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि बाल अच्छे दिखे ना तो आप हर गेटअप में अच्छे दिखते हो। मेन आपके हेयर होते हैं जो ढंग से दिखने चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है लेकिन आपने बाल अच्छे से नहीं बनाए हुए ना तो फिर पूरा आपका गेटअप अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए, और मुझे स्ट्रेट हेयर को छोड़ के और कोई हेयर पसंद नहीं आते हैं और कोई ज़्यादा स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्ट्रेट हेयर मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए लास्ट ईयर मैंने अपने बर्थडे से पहले ही स्ट्रेटनिंग करवा लिया था। बस इसीलिए मैं सोची हूँ कि बर्थडे से पहले कुछ हो जाए। करवा चौथ 17 तारीख की है तो बर्थडे मेरा आई थिंक 15 को होगा। कोई होगा दुनिया में ऐसा जिसे अपने बर्थडे की डेट हर साल फाइंड आउट करनी पड़ती होगी कि हाँ इस साल मेरा इस डेट पे बर्थडे है? तो मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछने वाली हूँ। कल भी मैंने फ़ोन किया था तो मेरी बात नहीं हो पाई, बिजी थी वो, और आज मैं उनको फ़ोन करके पूछूँगी कि कौन से डेट को है मेरा बर्थडे, फिर बताऊँगी आप लोगों से। तो बस इसीलिए देखती हूँ जाती हूँ आज क्या बोलते हैं वो। फ़िलहाल सारे घर के काम निपटा लेती हूँ। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आपका जो हिमालयन पिंक सॉल्ट का लैंप था वो कहाँ गया, तो वो मैंने उस रूम से हटा करके इस रूम में कर दिया। वो पीछे आपको ये दिख रहा है लैंप, यहाँ पे कर दिया है मैंने। मुझे यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नाइट लैंप की तरह भी इसका काम हो जाता है। और जब सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दो और इसको जला के रखो इवनिंग टाइम में भी तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया। अगर वहाँ के लिए लेना होगा तो फिर देखेंगे कोई और चीज़ लेंगे, बट फ़िलहाल ये यहीं पर रहेगा। तो चलो काम शुरू करती हूँ, नहीं तो मैं जब बातें स्टार्ट करती हूँ तो मैं रुक नहीं पाती हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा सा जा रही हूँ अपना यूट्यूब का काम करने के लिए, आधा पौन घंटा में अगर हो पाएगा तो वो काम करके मैं उसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं घर के काम में लगूँगी। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय। घर के काम भी इसी तरीके से लगे रहते हैं, एवरी मॉर्निंग वही सारे काम रिपीट करने होते हैं। जिस समय ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, वर्क प्रेशर नहीं होता है, उस समय तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, फटाफट आप कर लो, आराम से बैठ जाओ। लेकिन जब बहुत सारे टास्क होते हैं ना एक दिन में, तो फिर दिमाग ख़राब होने लगता है सुबह से ही कि ये भी करना है आज, ये भी निपटाना है, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। और मैं इन सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ। मुझे रहता है कि मेरे सारे काम ना टाइम पे पूरे हो जाएं, जो भी मैंने जिस टाइम तक सोचे हैं पूरे हो जाएं, और अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सिद्धार्थ का अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके एकेडमिक एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं जो मिड टर्म के थे, और उसके अलावा अभी उसका जो कीबोर्ड वो सीख रहा है पिछले एक साल से, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम उसने दिया है अभी अभी, कल उसने एग्ज़ाम दिया है। तो उसकी प्रिपरेशन और वो करना, वो बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग हो रहा था 15-20 दिन से। उसका बीच में एक कॉन्सर्ट में भी उसने पार्टिसिपेट किया था, तो उसकी प्रिपरेशन करवाना और उसकी स्टडीज़ मैनेज करना, उसका ट्यूशन मैनेज करना, उसका स्कूल मैनेज करना, तो इन सारी चीज़ों में टाइम हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। और जो घर के काम हैं और जो मेरे काम हैं, उन चीज़ों के लिए मुझे समय कम मिल पा रहा था। तो जब आप एक काम करते हो तो आपको दूसरे काम में ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए जो मेरे पूजा से रिलेटेड काम है या जो तैयारियों वाले काम हैं, वो काफ़ी डिले होते जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से समय से पहले मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और मेरी एक फ्रेंड है जो बार बार पूछती रहती हैं कि आपकी मम्मी ने जो नानी टेबल दिया था, मतलब सिद्धार्थ का जो नानी टेबल था और जो मेरी मम्मी ने मुझे ब्रास का राइस पॉट दिया था, वो कहाँ गया। तो मैंने उनको एक बार मैसेज करके बताया भी था कि दोनों चीज़ मेरे पास हैं और कभी मैं आपको दिखा दूँगी ब्लॉग में। तो ये रहा नानी टेबल, और इसका इस्तेमाल कम इसलिए होता है आजकल क्योंकि ये जो हमारा सेंटर टेबल आ गया है तो सारी रिक्वायरमेंट इसी से पूरी हो जाती है, तो इसीलिए वो कम ही निकलता है, बहुत कम निकलता है।
और जो मम्मी ने राइस पॉट दिया था वो भी मेरे पास रखा हुआ है, एक दिन मैं उसमें राइस बना के दिखा दूंगी। और आजकल पहले मेरे घर में खुले चावल बनते थे, मैंने हमेशा बताया कि मतलब कुकर में कभी नहीं बनते थे, किसी को पसंद नहीं आते थे, पर आजकल पता नहीं क्यों कुकर वाले चावल फटाफट क्योंकि बन करके तैयार हो जाते हैं और अच्छे भी बन जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो आजकल मैं उसी में बनाने लगी हूँ। पर फिर भी मैं आपको वो भी दिखा दूंगी जब मैं उसमें कुकिंग करूंगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना फेवरेट फेवरेट फेस मास्क, मतलब बेसन वाला जो लगाती हूँ, मुझे बहुत सूट करता है ये, तो ये लगा रही हूँ। थोड़ा सा खुद को पैम्पर करूँगी, उसके बाद नहा धो के तैयार होके मैं जाऊँगी हेयर कट के लिए। मैं घर से हेयर वॉश करके गई थी और गलती से मैंने लगा लिया था कंडीशनर। मुझे पता भी था कि कंडीशनर नहीं लगाते हैं, पर हो जाता है ना, कई बार दिमाग उतना काम नहीं करता है, तो आदत है हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर करने की, तो मैंने कंडीशनर कर लिया था, इसीलिए वहाँ पे मुझे हेयर वॉश लेना पड़ा दोबारा से, जबकि मैं घर से हेयर वॉश करके गई थी। तो क्योंकि अगर आप कंडीशनर लगा लो तो फिर जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आता है, अगर बिना वॉश के वो कलर लगा देते हैं तो कलर प्रॉपर नहीं आएगा, या फिर अगर आप स्ट्रेटनिंग के लिए या स्मूथनिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ हेयर वॉश करके जाइए और कंडीशनिंग जो है वो बिल्कुल मत कीजिए। वैसे तो आप कितना भी हेयर वॉश करके जाओ, लेकिन एक सेफर साइड के लिए वो लोग हेयर वॉश करते ही करते हैं, क्योंकि फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना कि कलर अच्छे से आया नहीं, या जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छे से आया कि नहीं। और यहाँ पे ये वंदना बैठी हुई है, वंदना ने करवाए हैं कटिंग और उसने हाईलाइट्स लिए हैं, तो उसके हाईलाइट चल रहे हैं अभी। और मेरा भी जो कलर है मेरे बालों पे लगाकर वो छोड़ दिया गया है, और फिलहाल उसका काम चल रहा है। उसके हाइलाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो उसका रिजल्ट आया जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे उसका रिजल्ट आया है। तो आ गई हूँ मैं, कहाँ आ से? गई आ गई हूँ मैं पार्लर से, और मैंने करवा लिया है हेयर कलर। तो मैंने नेचुरली करवाया है, कोई अलग सा नहीं करवाया, मतलब जो मेरे हेयर को एकदम सूट कर रहा था वही करवाया है। सारे जो भी मेरे बाल वाइट बाल थे वो सारे हाइड हो गए हैं और अच्छा सा ग्लो भी आ गया है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और मैंने हेयर कट लिया है, थोड़ी थोड़ी सी लेंथ जो है वो कटवाई है, ये हो गया। और वंदना जो मेरे साथ गई थी उसने हाइलाइट्स करवाए और कटिंग करवाई, उसकी हाइलाइट मुझे इतनी अच्छी लगी, पहले मैं भी सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चलो पहले वंदना करवा रही है उसका देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी हाईलाइट नहीं करवाया है तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि कैसी होंगी कैसी लगेंगी, पर उसकी बहुत अच्छी लगी। सिद्धार्थ आवाज़ में बंद कर दो बेटा। तो उसकी हाईलाइट जो थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि सिद्धार्थ को स्कूल से लाने जाना था, तो इसीलिए मैंने उस टाइम नहीं करवाई, नहीं तो मैं आज ही करवा के आती। तो अब मैं करवाऊंगी हाईलाइट, ये जो कमिंग वीक है इसमें देखूंगी किसी दिन हाईलाइट करवा के आऊंगी। मेरा बहुत मन कर गया कि हाईलाइट करवा लूँ, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे हेयर, हमेशा से ऐसे ही है मेरे, मैंने कभी भी हाईलाइट वगैरह नहीं करवाया। बाकी देखते हैं, अगर समय नहीं मिला तो अलग बात है, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगी कि मैं करवा ही लूँ अपने बर्थडे और करवा चौथ से पहले हाईलाइट्स। तो बस सिद्धार्थ को भी स्कूल से मैं लेके आ गई हूँ, डायरेक्ट इसे स्कूल ही चली गई थी, वहाँ से लेके आके अब हम लोग खाना खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, बस फिर बाद में मिलती हूँ आपसे।
और बस इसके बाद मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, जैसा कि मैंने बोला बाद में मिलती हूँ। मेरा प्लान था कि कुछ डिनर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज़ सिद्धार्थ की एकदम से क्लासेस के लिए कॉल आ गया कि उसके कीबोर्ड के क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ लगने वाली थी। तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा ऑफिस से और हम लोग चले गए थे उसकी क्लास करवाने के लिए। तो बस इसीलिए इसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई और डिनर वगैरह का जो भी प्लान था वो सब कुछ भी चौपट हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत लेट नाइट आए थे। नियर अबाउट अभी 10:15 हो रहा होगा तब हम लोग आए थे, तो खाना भी घर में बनाने की कंडीशन नहीं थी, तो हम बाहर से ही ये जो पिज़्ज़ा वगैरह ये खाते हुए आए थे, यही हमारा डिनर हो गया था। तो बस कुछ ऐसा ही रहा था आज का दिन। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है? वैसे कुछ डिफरेंट नहीं है, वही स्टाइल है, बस थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं हेयर। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।